सभी व्यूअर्स को लोकेंद्र सिंह ठाकुर का नमस्कार। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। बमोरी में सत्संग का आयोजन किया गया। महाराज रामपाल जी के सत्संग बड़ी एलसीडी पर दिखाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभी धर्मवीरों ने प्रवचन का आनंद लिया। आपको बताया गया कि यहाँ पर की गीता एक पवित्र ग्रंथ है और ये सभी के धर्म प्रचार में और इसकी महत्व बताया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष से प्रवचन सुनने के पहुंचे। यहाँ पर रामपाल जी महाराज के प्रवचन में बताया गया कि अगर पुरुष शास्त्र विरक्त छोड़कर मनमानी आचरण करता है तो वह कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। वहीं पर श्रीमद् भगवद गीता एवं अन्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस आयोजन का लाभ लिया। यहाँ पर महिला पुरुष बच्चे सभी सत्संग भवन में पहुंचे थे। एलसीडी पे चल रहे प्रवचनों का जी आज जो सत्संग कहाँ हुआ है? ग्राम बामोड़ी, तहसील बामोड़ी, जिला गुना में जो सत्संग हुआ है। अच्छा, सत्संग करने का क्या उद्देश्य है? सत्संग करने का उद्देश्य है मनुष्य को सपने सत्मा रखे लाना। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या बताया जाता है सत्संग में? संत रामपाल जी महाराज सत्संग बताया जाता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। आप जी पुस्तक पकड़े हुए हो, ये पुस्तक किनके द्वारा छपी गई है? ये पुस्तक जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाई गई है। इनमें सभी अपने धर्मों के ग्रंथों के अनुसार इसमें एक चीज़ बताई गई है। इनको आप जो है पढ़ें समझें तो आपको ज्ञान आएगा। गीता जी के बारे में भी लिखा गया है। गीता जी में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तेरे और मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। इसलिए इस गीताओं को पढ़ें और ज्ञान समझें। इस सत्संग में कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? इस सत्संग में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से म्याना, गुना, घुमरी, पाटी जी, आसपास डोंगरी, मोंगरी, सभी गांवों से श्रद्धालु आए हैं। सत्संग किन के आदेशों के द्वारा होता है? सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के द्वारा ही हुआ है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है रामू दास बैरागी, ग्राम जमरा म्याना के रहने वाला। We'll be right back.